कैसे हो आप लोग? ज्ञानदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 10 का गणित करेंगे, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 है प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो पिछले सत्र में हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। 15.1 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन छोटे थे उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्मार्ट बोर्ड पे। ये क्वेश्चन है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर लिखी होगी 2 अंकों की एक संख्या। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को समझें तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये देखिए। क्वेश्चन में दिया है कि एक पेटी है जिसमें क्या है, डिस्क है। डिस्क हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं गोले से, तो उन पे संख्याएं लिखी हैं। तो सबसे पहले एक लिखी होगी, दूसरी डिस्क पे 2 संख्या लिखी होगी, तीसरी पे 3, और ऐसे ही करते करते कहाँ तक लिखी हैं, 90 तक। 90 तक संख्याएं लिखी हैं। अब क्या किया, इन डिस्क को एक साथ एक पेटी में डाल दिया। अब पेटी में डाल दिया, हमें नहीं पता कि कौन सी जगह पे कैसी डिस्क है, कौन सी नंबर की डिस्क है। हमें नहीं पता किस संख्या की डिस्क कहाँ पे है, हमने नंबर वाइज नहीं रखा उसको पेटी में। अब उस संख्या को हम उठाते हैं, निकालते हैं पेटी से बाहर, डिस्क को निकालते हैं। तो ये बताना है कि 2 अंकों की एक संख्या लिखी होगी उस डिस्क पे, इसकी क्या प्रायिकता है। तो ये चीज हम कैसे करेंगे कि ये पता होना चाहिए प्रायिकता निकालने के लिए कि सूत्र क्या इस्तेमाल होता है। इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल होता है पीई, यही फॉर्मूला करते हैं। पीई क्या हो गया, घटना होगी। जैसे यहाँ पे कौन सी घटना होगी पहले पार्ट में, कि 2 अंकों की एक संख्या आएगी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम। तो आइए इसमें भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कुल संभव परिणाम। वेरी गुड। अब देखिए ये सूत्र है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। कुल संभव परिणाम तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे बताइए कुल संभव परिणाम कितने हो गए। कुल संभव परिणाम मतलब जितने डिस्क होंगे उतने ही परिणाम हो जाएंगे। तो कुल डिस्क कितनी होगी ये बताइए आप, कुल डिस्क। कुल डिस्क यहाँ पे है 90। कुल डिस्क 90 है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुल संभव परिणाम कितने हैं, 90 ही होंगे। तो कुल संभव परिणाम यहाँ पे हमें पता लग गया कि 90 है। अब और क्या चीज चाहिए हमें, कुल संभव परिणाम तो पता लग गया, अब हमें अनुकूल परिणाम चाहिए। हमारे अनुकूल परिणाम है, तो ये पार्ट 1 का आ जाता है कि अनुकूल परिणाम यहाँ पे क्या है। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या पूछा गया है हमसे, पूछा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या। अब आप बताइए भाई कि 1 से लेके 90 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की हैं, कितनी संख्याएं हैं बताइए 1 से लेके 90 तक। अब इसका निकालने का एक आसान सा तरीका ये है कि कुल संख्याएं 90 हैं, कुल संख्याएं 90 हैं, और उसमें 2 अंकों की ज्यादा संख्याएं हैं और 1 अंक की कम संख्याएं हैं। तो जितनी भी 1 अंक की संख्या है अगर 90 में से हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अंकों की संख्या। अब बताइए 1 अंकों की, 1 अंक की संख्या कितनी है, 1 से 9 तक 1 अंक की संख्या है, उसके बाद 2 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है। यानी कि 9 संख्याएं हैं वो 1 अंक की हैं। तो 1 अंक की संख्याएं हमने इसमें से घटा दी, क्या बच गई, 81। 81 क्या हो गया, ये 2 अंक की संख्याएं। यानी कि अनुकूल परिणाम कितना है, 81 है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, क्या निकालेंगे कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 2 अंकों की संख्या हो। यही पूछा गया था कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डिस्क निकालें उस पे 2 अंकों की संख्या हो।
उसके लिए अनुकूल परिणाम लिखने पड़ेंगे। अनुकूल परिणाम है 81 लिख दिए और कुल परिणाम है 90। तो कुल दिस तो 90 है और जो दो जिन पे दो अंकों की संख्या है वो है 81। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसको हम काट देते हैं, 9 * 81 और ये 10, तो 9/10 प्रायिकता आ गई। 9/10 प्रायिकता किस चीज की होगी? दो अंकों की संख्या आने की प्रायिकता होगी 9/10। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, चलिए वापस क्वेश्चन पे देखते हैं। इसका दूसरा पार्ट कहता है कि अगर एक डिस्क हम निकालें रैंडमली बॉक्स से, डब्बे से, तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। पूर्ण वर्ग संख्या, वेरी गुड। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या हम निकाल के देखते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या होगी जो क्या किसी भी संख्या का एक पूर्ण वर्ग बनती हो। पूर्ण वर्ग बनती हो यानी कि जैसे सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी एक। कैसे? ये एक का वर्ग है। एक का वर्ग कितना होता है? एक ही होता है। देखिए यहां पे मैं एक बारी रफ में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एक का वर्ग कितना होगा? एक। दो का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? चार। तीन का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? छह। चार का वर्ग करेंगे, तीन का वर्ग करेंगे तो ये 9 होगा, और चार का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। ऐसे करते करते 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। हमें कितने तक चाहिए हैं? हमें तो 90 से छोटे, 1 से 90 के बीच में चाहिए हैं। क्या? पूर्ण वर्ग। तो दूसरा पूर्ण वर्ग होगा 4, तीसरा 9, 16 और ऐसे चलता जाएगा ये 25, 36, 49, 64 और 81। ये देखिए मैंने पूर्ण वर्ग लिख दिए हैं। अब पूर्ण वर्ग कैसे निकाले मैंने, कैसे पता लगाया कि कौन से 1 से 90 के बीच में पूर्ण वर्ग हैं? मैं सबसे छोटी संख्या से मैंने वर्ग निकालना शुरू कर दिया। छोटी संख्या 1 है, उसका वर्ग निकाला, फिर 2 का वर्ग निकाला, 9 तक वर्ग निकाले तो वो 81 आया। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। पर अगर मैं 9 के आगे जाता हूं, 10 का वर्ग निकालता हूं, तो कितना आ जाएगा? 10 का वर्ग आ जाएगा 100। 10 का वर्ग आ गया 100। तो अब बताइए क्या 100 90 और 1 के बीच में पड़ता है? जी नहीं, नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा? 100 इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि किसी डिस्क पे 100 तो लिखा ही नहीं है, तो 100 कैसे आ सकता है? इसलिए हमारे जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो ये हो गई। तो ये कितनी है पूर्ण वर्ग संख्या? अगर आप गिनेंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या, या फिर बोल सकते हैं हम अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? इनको गिनेंगे तो ये आएंगे 9 पूर्ण वर्ग मिले हैं हमें। 9 पूर्ण वर्ग मिले हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी होगी? पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो घटना है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 9/ कुल संभव परिणाम है, कितने हैं? 90 ही रहेंगे। तो इसको काटेंगे तो 1/10 आ गया इसका उत्तर। अब अगला पार्ट देखते हैं। इसका तीसरा पार्ट क्या कहता है? 5 से विभाज्य एक संख्या। अब आप बताइए कि 5 से विभाज्य जो संख्या होगी वो कितनी होंगी? इसमें तीसरा पार्ट करेंगे तो 5 से विभाज्य संख्याएं का कैसे पता लगाएंगे? या तो आप क्या करेंगे कि पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या जो 5 से विभाज्य होगी 1 से 90 के बीच में, कौन सी होगी? 5 होगी। उसके बाद 10 होगी, 15, 20, ऐसे 5 का पहाड़ा 90 तक चलता चला जाएगा। या फिर इसका एक सिंपल सा तरीका है, बहुत ही आसान सा। 90 है, 90 को हम 5 से भाग कर देंगे तो कुल संख्या आ जाएंगी जो 90 तक 5 से विभाज्य है। तो इसको 5 से अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 18। कितना आ गया? 18 आ गया। तो हमारे अनुकूल परिणाम पता लग गए। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 18
हम लिख देंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम आ गए 18। अब आसान है, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल लेंगे, यानी कि इस चीज की प्रायिकता की जो हम डिस्क निकालें उस पे वो संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं। तो अनुकूल परिणाम 18 है, कुल संभव परिणाम कितने हैं 90। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 18 से अगर इसको काटेंगे तो 18 पच्चीस 90, 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। अब आप देखिए 1/5 यहाँ पे प्रायिकता आ गई किस चीज की, कि जो डिस्क निकालेंगे वो उस पे वो संख्या होगी जो 5 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। तो 144 का बॉल पेनों का एक समूह है, कितने बॉल पेनों का समूह है 144, उसमें से 20 पेन तो खराब ही हैं। तो अब आप बताइए कि 144 में से अगर 20 पेन खराब हैं तो अच्छे पेन कितने होंगे, 144 माइनस 20 अच्छे पेन कितने हो गए 124। सीधा सीधा पता लग रहा है यहाँ पे। अब आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में, और शेष ठीक है आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। तो आप ये देखिए कि आपको क्या चाहिए, दुकान पे जाके अगर कोई खराब पेन देगा तो आप नहीं खरीदेंगे ना उसको, खराब पेन कौन खरीदता है, तो आप चाहेंगे कि अच्छा पेन मिले। तो उसकी प्रायिकता बतानी है कि आप उस पेन को लेंगे, क्योंकि अगर अच्छा होगा तभी लेंगे आप। तो उसकी प्रायिकता यानी कि किसकी प्रायिकता पूछ रहा है ये, कि अच्छे बॉल पेनों की प्रायिकता बताओ कितनी होगी। तो ठीक है हम बता देंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि कुल बॉल पेन कितने हैं, कुल पेन कितने होंगे बताइए, कुल बॉल पेन ये हो जाएंगे 144 दिया हुआ है, वेरी गुड। अब खराब पेन कितने हैं, खराब पेन भी पता है हमें, खराब पेन है 20। तो अच्छे पेन कितने होंगे, अच्छे पेन भी हम यहां लिख देते हैं, अच्छे पेन ये हो जाएंगे 144 में से 20 हम माइनस कर देंगे, 144 में से अगर 20 माइनस किया तो ये आ गया 124। तो अच्छे पेनों का भी हमें पता लग गया कि 124 है। अब तो सीधा सीधा क्वेश्चन हमें करना है कि यहाँ पे पता लगा आपको कुल संभव परिणाम कितने हैं, कुल संभव परिणाम तो यही होंगे 144। जी हाँ कुल संभव परिणाम तो यही हो जाएंगे 144, क्यों, क्योंकि सारे पेन तो 144 हैं, तो उन्हीं में से निकालेंगे हम कोई ना कोई। अब अनुकूल परिणाम क्या होगा, अनुकूल परिणाम आप वह पेन खरीदेंगे, यानी कि अच्छे पेनों के बारे में पूछा जा रहा है, और अच्छे पेन यहाँ पे कितने हैं 124। तो पहले पार्ट में पहला पार्ट अगर हम करें तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बताइए, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 124, क्यों, क्योंकि अच्छे पेन है तो ये अनुकूल परिणाम हो सकते हैं। अब देखिए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवेंट की, या फिर आपके पेन खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम तो 124 है भाई, और कुल संभव परिणाम 144 है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम इसको काट देते हैं, कितना आएगा इसको काटेंगे तो 4 से काट देते हैं, 4 3 12, 4 1 4, और इसको काटेंगे तो 4 3 12, 4 6 24, तो 31/36, 31/36 किस चीज की प्रायिकता आ गई, कि आप उस पेन को खरीदेंगे जो एक रैंडमली पेन निकाला गया है उस पेनों के समूह से। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, दूसरा पार्ट कहता है कि आप उस पेन को नहीं खरीदेंगे। तो देखिए क्या पूछा गया है हमसे, पीई नोट पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पीई नोट, पीई
नो, यही चीज पूछी गई है, या तो भाई अच्छा पेन निकलेगा या पेन खराब निकलेगा। तो यहाँ पे पीई नोट कैसे निकालते हैं हम, एक में से पीई को माइनस कर देते हैं, एक में से पीई को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पीई नोट आ जाएगा। या फिर हम कैसे कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब क्या है, इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए, जो खराब पेन है वही तो इसके अनुकूल परिणाम हो गए, क्यों, क्योंकि खराब पेन को ही आप नहीं खरीदेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे अनुकूल परिणाम कितना हो जाता है, ये हो जाते हैं 20, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 144। इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं, तो 20/144 कितना आ जाएगा, इसको हम काट देंगे तो कितना है, देखिए 20 5 4 5 20, और इसको काटेंगे तो 36, तो 5/36 आ गया। आप ऐसे करके देख लीजिए डायरेक्ट, या फिर अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 1 - 31/36, तो इससे भी आपका उत्तर यही आएगा, 5/36। आप किसी प्रकार से भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर वही आना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता, देखिए, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम नोट कर लिया जाता है, तीनों परिणाम समान होंगे पर अर्थात तीन चित या तीन पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक सिक्का है, हमारे पास कितने सिक्के हैं, एक सिक्का, उसी को हम 3 बारी उछालते हैं और 3 बारी उछाल दिया जाता है तो तीनों परिणाम समान होने पर, यानी कि समान, क्या समान से क्या मतलब है इनका, समान से मतलब है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, एक सिक्के को अगर हम 3 बार उछालेंगे तो देखिए कि या तो हेड आ जाएगा तीनों बारी में, हो सकता है कि तीनों बारी में हेड आ जाए मेरा, या फिर यह भी तो हो सकता है कि तीनों बारी में टेल आ जाए। जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो आप देखिए कि समान परिणाम है तीनों बारी में, हेड 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 या टेल टेल टेल, तो इसमें ये बोल रहा है कि तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात तीन चित आने पर या फिर तीन पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। तो अगर क्या होगा, तीनों ये परिणाम समान होंगे तो वो जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। अब आपको ये बताता हूं कि हार किस केस में जाएगा। अगर मान लीजिए कि पहले कॉइन पे आता है हेड, दूसरे पे भी हेड आता है और तीसरे में टेल आता है, तो वो हार जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों बारी में परिणाम समान नहीं आए, तो इसका यही मतलब है, अर्थात अन्यथा वह हार जाएगा। तो और क्या क्या हो सकते हैं जिनमें वह हार सकता है, पॉसिबिलिटी देखते हैं। पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए, तीसरे में हेड आए, तो भी वह हार जाएगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, पहले में टेल आए, दूसरे में हेड, और पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में भी हेड, तो भी वह हार जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि पहले में टेल आए, दूसरे में टेल आए और तीसरे में हेड आए, तो भी वो हार जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि पहले में टेल आए, दूसरे में हेड आए, तीसरे में टेल आए, तो भी हार जाएगा। या फिर पहले में हेड आए, दूसरे में टेल और तीसरे में टेल आए, तो वह हार जाएगा। तो कुल इतने परिणाम बनते हैं, अगर एक सिक्के को हम 3 बारी उछालेंगे तो कुल इतने संभव परिणाम बनते हैं, इसके अलावा और कोई परिणाम नहीं होगा। तो देखिए कितने परिणाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल संभव परिणाम कितने हैं, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम हो गए 8। अब हमसे जो पूछा गया है वो चीज क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता बतानी है हमें, हार जाने की प्रायिकता मतलब कितने केसेस में वो हार सकता है। ये देखिए वो सिर्फ 2 केसेस में जीत सकता है, क्योंकि सब में या तो हेड होगा या टेल होगा, बाकी के केसेस में हारेगा। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 6 हो गए, क्योंकि ऐसे 6 परिणाम हैं जिनमें वह हार
हार सकता है, इसलिए अनुकूल परिणाम मैंने यहाँ पे 6 लिखा है। अब देखिए, अब तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके हारने की, वो क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कितने हैं, आपने फॉर्मूला लिखना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे आ जाता है हमारा कुल संभव परिणाम, वो हो जाएगा 8 और अनुकूल परिणाम है 6, वो ऊपर लिखते हैं हम, तो इसको काट देंगे, तो 2 3 2 3 6 और 2 4 8, तो 3/4 प्रायिकता आ जाएगी। किस चीज की प्रायिकता आ जाएगी, 3/4 उसके हार जाने की। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से देखिए। अब यहाँ पे एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझने की ये है कि अगर हमारे पास एक पासा है उसको 2 बार ही फेंकते हैं, या फिर 2 पासों को एक साथ फेंकते हैं, तो बात एक ही है। ध्यान से सुनिएगा कि या तो 2 पासों को एक साथ फेंके हम, या फिर एक पासे को 2 बार ही फेंके, तो बात बराबर ही है, एक साथ हमारे पास 2 परिणाम आएंगे। कैसे आएंगे, देखिए, पहली बार फेंका तो उसका नंबर आया एक संख्या, और दूसरी बार ही फेंका तो दूसरे पे भी एक ही आया, तो 2 परिणाम हो गए। अब हो सकता है पहले पे एक ही आए, दूसरे पे 2 आ जाए, ऐसे कर करके कितने तक आ सकता है ये, दूसरे पे 3 आ जाए, फिर 4 आ जाए दूसरे पे, पहले पे एक ही रहे, दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पे एक ही रहे, दूसरे पे 6 आ जाए। देखिए ऐसे ऐसे कितने पॉसिबिलिटी बनती हैं अगर हम एक पासे को 2 बारी फेंकेंगे, तो यहाँ पे 2 आ सकता है, इसका एक ही रहेगा, यहाँ पे पहले पासे में 3 आ जाए, दूसरे में एक ही आए, पहले पासे में 4 आ जाए, दूसरे में एक ही आए, पहले पासे में 5 आ जाए, दूसरे में एक ही आएगा, पहले पासे में 6 आ जाए, दूसरे में एक ही आए, ऐसे बन जाएगा। और ऐसे ही ये टेबल पूरा नीचे तक चलता जाएगा। कैसे चलता जाएगा, देखिए, पहले पासे में यहाँ पे 2 2 2 ही आता रहे, और यहाँ पे इसमें दूसरे पासे में क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 3 आता रहेगा इसमें, और यहाँ पे 2 3 4 5 6, इस प्रकार से इसमें भी 4 आता रहेगा पहले पासे में, और दूसरे पासे में 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से यहाँ पे भी 5 आता रहेगा, और दूसरे पासे में 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे भी पहले पासे में कितना आता रहेगा, 6, और दूसरे पासे में 2 3 4 5 6, तो ये कुल कितने परिणाम बनते हैं, कुल देखिए 36 परिणाम बनते हैं, और 36 परिणाम में से हमें क्या निकालना है, 5 जिसमें हो वो संख्याएं हमें निकालनी है कि 5 5 किस किस के परिणाम में आया है। तो मैं उनको क्या कर रहा हूं, सर्कल कर रहा हूं, गोला कर दिया उनपे, तो इन सब परिणामों में हमारा 5 आता है। 11 ऐसे परिणाम है जिसमें 5 आएगा, पर पूछा गया है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, यानी कि 36 में से अगर हम 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 में से अगर 11 घटा दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, तो 25 और कुल संभव परिणाम है 36, तो ये क्या होगा, 5 किसी बार में भी नहीं आएगा। इसी प्रकार से आप दूसरा करेंगे कि कम से कम 5 एक बार होगा, तो कितने में आएगा, वो 11 में आएगा, तो उसको कैसे कर सकते हैं कि दूसरा आप लिख सकते हैं, ये तो पहले पार्ट का है, दूसरे पार्ट का आप लिख सकते हैं कि पी ई क्या हो जाएगा, 11/36, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा इसके, देखिए दोनों पार्ट, तो इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है और यहाँ पे चैप्टर भी खत्म होता है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे खत्म करते हैं, अगर किसी का छूट गया हो लेक्चर तो हमारे यूट्यूब चैनल DD उत्तराखंड पे आप देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।